तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मराठी फिल्म वेट के 3 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो ऐसे ही इंडियन फिल्म्स के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट फिल्म के बारे में बात करें तो इस फिल्म को रितेश देशमुख जी ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है। इस फिल्म में हमें रितेश देशमुख और जेनिलिया देशमुख लीड रोल में दिखाई दिए है। इस फिल्म का बजट 15 करोड़ बताया जा रहा है। यह फिल्म 30 दिसंबर को रिलीज हुई है। क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार की रेटिंग मिली। कलेक्शंस के बारे में बात करें तो अच्छे प्रमोशंस करने की वजह से इस फिल्म ने अपने पहले दिन 3 करोड़ की दमदार ओपनिंग की। दूसरे दिन इस फिल्म ने अच्छी ग्रोथ दिखाकर 3.75 करोड़ की कमाई की। इसी के साथ इस फिल्म के 2 दिनों का टोटल नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 6.75 करोड़ होता है। इस फिल्म का टोटल ग्रॉस कलेक्शन 8 करोड़ होता है। तीसरे दिन यानी आज यह फिल्म न्यू ईयर का अवसर होने की वजह से 4.5 करोड़ के आसपास कमाई कर रही है। यह फिल्म मराठी इंडस्ट्री की 6ठी सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन चुकी है। क्रिटिक्स के मुताबिक इस फिल्म के पहले 3 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। अगर वेट फिल्म को हिट होना है तो इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 20 करोड़ से भी ज्यादा का होना चाहिए, जो कि इस फिल्म के लिए न्यू ईयर का अवसर होने की वजह से काफी आसान सा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, यह फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।